Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अभी 14 नवंबर को दिवाली थी। लोगों ने अपने पटाखे फोड़ फोड़ कर खत्म कर दिए, लेकिन आसमान में एक लाइट शो अभी भी चल रहा है। इसके पीछे कोई व्यक्ति या संस्था नहीं है, इसकी वजह है टूटते तारे, एक नहीं बहुत सारे। हर साल नवंबर के महीने में ऐसा देखने को मिलता है। इसे लियोनिड मीटियोर शावर कहते हैं। साइंस कार्य के इस एपिसोड में लियोनिड मीटियोर शावर के बारे में बात करेंगे, आसमान से टूटते तारों की बौछार। जिसे हम आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं, असलियत में तब कोई तारा नहीं टूट रहा होता है, वो एक मीटियोर होता है। मीटियोर यानी उल्कापिंड। अंतरिक्ष में मौजूद छोटी छोटी चट्टाने, जब ये उल्कापिंड बहुत तेज स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री मारते हैं तो घर्षण होता है। इनकी स्पीड और वायुमंडल का घर्षण इतना भयंकर होता है कि ये जल उठते हैं, और जब ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कोई तारा टूट गया, और कुछ भोले भाले लोग तो अपनी आंखें बंद करके विश मांगने लगते हैं। ज़्यादातर मीटियोर वायुमंडल में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। सिर्फ कुछ मीटियोर के अंश जमीन तक पहुंचते हैं। अभी बहुत सारे मीटियोर आसमान में दिख रहे हैं। ऐसी घटना को मीटियोर शावर कहते हैं। मीटियोर शावर का मतलब है उल्का पिंड की बौछार। ये घटना नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो गई थी। मंगलवार और बुधवार यानी 17 और 18 नवंबर को ये अपने चरम सीमा पर पहुंची, और इसी नवंबर महीने के अंत तक देखा जा सकता है। 2020 में ये मीटियोर शावर 6 नवंबर से 30 नवंबर तक हरकत में रहेंगे। इनमें सबसे तेज मीटियोर की रफ्तार 71 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। जब मीटियोर शावर चरम सीमा पर होता है तो हर घंटे 10 से 15 मीटियोर देखे जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि अचानक आसमान में इतने सारे मीटियोर आए कहाँ से, और नवंबर महीने में ऐसा क्या है कि लियोनिड मीटियोर शावर इसी महीने में होता है। अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा है। जब ये मलबा पृथ्वी के रास्ते में आ जाता है तब मीटियोर शावर देखने को मिलता है। लियोनिड मीटियोर टेम्पल टर्टल से आए हैं। टेम्पल टर्टल एक कॉमेट धूमकेतु का नाम है। ये कॉमेट भी पृथ्वी की तरह सूरज के चक्कर काटता है। टेम्पल टर्टल 33 साल में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसका रास्ता और पृथ्वी का रास्ता क्रॉस करते हैं। अब होता ये है कि ये कॉमेट अपने रास्ते में कई जगह मलबा फैलाता जाता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, तो पृथ्वी के रास्ते में ये टुकड़े आ जाते हैं। हर साल पृथ्वी नवंबर के महीने में इस मलबे वाले इलाके से होकर गुजरती है। इस दौरान ये टुकड़े पृथ्वी में घुसे चले आते हैं। जब यह मलबे के टुकड़े हमारे वायुमंडल में दखल होते हैं तो वो जल उठते हैं। इसलिए हर साल नवंबर में मीटियोर शावर दिखाई देता है। मलबे के इस ढेर में छोटे चट्टानी टुकड़े, धूल या बर्फ होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि वायुमंडल के ऊपर इलाकों में ही भस्म हो जाते हैं और पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंच पाते। इस मीटियोर शावर का नाम लियोनिड क्यों रखा गया है? लियो कॉन्स्टेलेशन के ऊपर लियो नाम का एक तारामंडल है। ये मीटियोर लियो कॉन्स्टेलेशन से निकलते प्रतीत होते हैं, इसलिए इसका नाम लियोनिड मीटियोर शावर रखा गया है। हालांकि असलियत में ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि मीटियोर शावर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, किसी दूरबीन या टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है। ये उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए पूरे भारत में इसे कहीं से भी देखा जा सकता है, लेकिन ढंग से दर्शन करने के लिए कुछ शर्तें हैं। मीटियोर शावर तब सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है जब आसमान में बादल ना हो, आपके इलाके में प्रदूषण कम हो और चांद की रोशनी बहुत अधिक ना हो। अभी बहुत बढ़िया मौका है। कुछ दिन पहले ही अमावस्या थी। दिवाली के दिन इस हफ्ते चांद का 5 से कम हिस्सा चमक रहा है।
इसलिए मीटियोर शावर दिखने के चांसेस ज्यादा हैं।